यहाँ से होती है टिकट बुकिंग बांधागढ़ टाइगर रिजर्व में घूमने टाइगर सफारी के लिए। सफारी में घूमने के लिए टिकट काउंटर 1:30 बजे खुल जाता है और एक जिप्सी के 6,000 रुपये यहाँ पे लगते हैं घूमने के लिए। नाइट के लिए हम लगभग 2 घंटे धूप में खड़े रहे लाइन में, तब जाके हमको टिकट मिला और फॉर्म लेके टिकट का, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, पेमेंट देना होता है यहाँ पर। अभी हम आए हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए टाइगर सफारी में। अभी हमने टिकट पूरी करवा ली है सब वेरिफिकेशन और अब हम सफारी के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे और दिखाते हैं हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर का पूरा व्यू। हमको मिला है मगधी जोन। हम निकल चुके हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर और हम सफारी के अंदर बैठे हैं, घूमने वाले हैं। बताते हैं हम अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का पूरा व्यू। ये भैया है हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? छोटे लाल भैया है। निकल चुके हैं सभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सफारी के लिए। शानदार नज़ारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अभी हम आगे जा रहे हैं टाइगर जोन में। मेरी तो है सर पर गाड़ी खड़ी है, शायद हाथी हो सकता है यहाँ पर। अरे ये पास में भी है, ये खड़े सामने, ये इधर हाथी, वो तो उधर वो कर रहा है।
बहुत बड़ा है, मेल लग रहा है मेरा मेल वो है। वो सर आ रहा बहुत जल्दी, इधर आ रहा है भैया। चलो भैया चलो, हमको तो डर लग रही है। ऐसा नहीं सही नहीं दीदी, ये डर तो वाला है। अरे नहीं करो, डरती का है बहुत डर को। आंटी का तुम तो नहीं डरती। हमारे जस्ट पीछे जंगली हाथी है और एक नहीं तीन तीन हाथी है यहाँ पे। मोटा मोटा एक घने बड़े बड़े दिखेंगे। चलो मम्मा चलो, सही नहीं जम करम इधर ना जाओ। जंगली हाथी उनको छेड़ेंगे ना जब आएगा। अरे नहीं भैया, इस छेड़ने वाला का वो कुछ खा रहे हैं लोग। आगे भाई उनके पास नहीं नहीं, हाँ उनके पास उनकी फैमिली है। फैमिली है उसके पापा के पास। उनको पापा के पास है, उसके पापा के पास है। उनको उनको पापा के पास आती है। चलो पापा के पास आती है। अपन उस दिन गए थे तब भी देखे थे, लेकिन थोड़ा मनोरंजन हो गया। पीछे पड़ जाएगा भरोसे नहीं। तो वो इतनी दूर, वो सही में बहुत बड़ा दिख रहा है। टाइगर बैठा हुआ है, दिखता है या नहीं? भैया कहाँ? अभी बगल में मेरे खड़ा है। मंकी मंकी मेरी नजर ऐसे पड़ी तो मैं बोल रहा हूँ। अमेज़ मूस टाइगर है यहाँ पे, टाइगर देख रहे हैं। गाइस टाइगर रोड पे एकदम हमारे गाड़ी के पीछे। मेरा टाइगर टाइगर देख लिया क्यों? चिल्ला मत, हिमाल है चिल्ला मत। टाइगर टाइगर टाइगर
हाय गाइस, अंदर तो नहीं जा रही है यार, सी इज कमिंग, गेट रेडी, देयर इज नो डीप बिहाइंड, इट्स गुड, गुड फॉर फोटोग्राफ। हां वो बोला, अरे इधर देखो ना, इधर अब देख लिया आगे से पर वो जैसे अपन देखे देखो सामने चलती गाड़ियाँ सेम वैसे दिख रही थी। इधर ही आया था आगे ले वो घुस गए होएगा वो खड़ घुसे जगह ना वो ये मिला चले सेल्फी ली अब किधर निकलेगा ये अब तो अंदर तक ले कि भाई तो क्लाइंट देखो कि गोरखी नहीं यार हाई करवा दो वो बैठी है जिसमें ये सेकंड बैठी है डॉटी की चार बेटी है चारों के लिए और अभी प्रेजेंट टाइम में ये डॉटी निकल गई है उधर में बच्चों को अपने एरिया में अपना एरिया दे करके निकल गई है जो नंबर वन की तरफ उधर में रहती है अभी बच्चों को जन्म दी है लेकिन अभी बच्चों को हमने अभी देखा नहीं है जब देखेंगे तो अब उसमें क्लियर करेंगे कि इसमें तीन बच्चे हैं चार हैं कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं तब जा करके वही होंगे अभी तकरीबन मेरा एक अंदाज है कि दो ढाई या तीन महीने के आसपास होंगे क्योंकि अभी बच्चों को लेकर निकलती नहीं है। तो ये अधिकतम कितने साल तक मतलब जीते हैं ये 14 से 15 साल अच्छा इनका नेचर में होता है मुझे आ गया आज टाइगर देखने का मेरा सेकंड बार एसी टाइगर चलने की जो आदाएं होती है ना जैसे अपन कोई पिक्चर या कुछ भी चलाते हैं ना स्लो मोशन में ये इनका स्लो मोशन पर रहता है ये भाग दौड़ और डरने वाला काम इनके पास नहीं अंदर आई है ना अंदर अपन यहाँ तक आ गए थे शेर नहीं है ना लायन उधर थे उधर से इधर गुजरात के गिर जंगल गिर के है ना तो गिर में तो बब्बर शेर है ना वो तो गांव में भी घूमते रहते वो भी तो गांव में घूमते रहते दो दो चार चार अपने आगे से देखो नहीं है इसलिए कि मैं 6 महीने के बच्चे को देखा था मेरा अभी तो वयस्क है उधर तो हाथी पर ये वाला मुझे जोन सबसे अच्छा लगा मतलब देखा जाए तो खितोली से तो अच्छा लगा वही वो पीछे पीछे अपन आगे आगे का चेहरा देखे वो पीछे भी देखते गाड़ी वाले और अपने जैसे आगे डर गए थे किस डर है आपका तो पर हम घबरा गए थे हमने सोचा बस टाइगर आ गया आप पास
निकल जाता है। हाँ सही है, बिल्कुल रोड नहीं चल रहा है यार। ये क्या है दिन पर भी टाइगर बैठा हुआ है लेकिन झाड़ियों में दिख नहीं रहा है। और सामने ये जो खूबसूरत पहाड़ी है ये है ऊपर राजा का महल है और विष्णु भगवान का मंदिर है। यहाँ पर आते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि राम भगवान के भाई भरत का महल था यहाँ पर। हाँ भैया, टाइगर का भी हमला किया है ऐसे सफारी में? अच्छा हाँ सही है, वो भी समझदार है ऐसे तो जानते हैं। देखने आ रहे हैं आपको, नुकसान तो कुछ पहुँचाने क्या है ना, ये बचपन से जब माँ अपने बच्चों को गुफा से निकालते हैं गाड़ियों को देखना शुरू करते हैं। पर हमने सुना है पनपदा साइड वाले थोड़े खुकार है, पनपता साइड का जो टाइगर है उधर भी टाइगर है। पनपता वाले ये इनका कहना है खुखार ज्यादा है, थोड़े खुखार टाइप के हैं। एक्चुअल में क्या रहा है, उधर गाड़ियों को देख रहे हैं। सही बात है, बहुत ही कर रहे हैं। आज देखा जो भी नहीं निकलो वो निकला ही नहीं वहां से, क्या दिखाएंगे फोटो खींच रहे हैं, खड़ा वड़ा हुआ होगा कहीं, क्या देख रहे लोग दूरबीन से, मतलब चेक कर। ऐसा नहीं दिख रहा है तो एक और टाइगर का मूवमेंट दिखाया हमको, लेकिन थोड़ा सा दूर है। हाँ, के बाद में देखिए, सही से दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ वो बैठ गया, बैठ गया नीचे सिर कर, सही बोल रहा है, जल्दी जल्दी आके बैठ गया, उधर जा रहा हूँ, वो जा रहा टाइगर वो बैठ के निकल गया नीचे, निकल नीचे उतर गया, अब उधर जा रहा है, दोपहर भी के दिखा है, कैसे समझ में, अरे इधर आ जा भाई, अलग अलग एरिया होता है, अपना घर है, अपना घर है, आपका अपना घर है, मेरा अपना घर है, इसी तरह से टाइगर अपना अपना एरिया बना लेते हैं कि आप इतना बड़ा मेरा एरिया है, एक वेल टाइगर के अंदर चार से पाँच, जैसे तुम्हारे उपस्वास केंद्र है 5,000 सब सेंटर में तुम्हारा है वो एरिया, अगर कोई बीमार पड़ता है कुछ होता है तो आप ही देखते हैं। एक वेल टाइगर के अंदर में चार से पाँच फीमेल होते हैं, सारी फीमेल टाइगरों का अपना अपना अलग अलग एरिया, एक फीमेल का एक उदाहरण 10-15 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनाती है। अच्छा, ये टाइगर उस एरिया में जब तक वो रहेगी, जब तक उसके बच्चे रहेंगे, उसकी सगा नौसी अगर होगी या वो उसकी नानी भी होगी तो एंटर नहीं कर पाएगी जब तक वो परमिशन नहीं देगी। ये होता है अगर बाई चांस अगर एक ही फैमिली से आ गए, मान लीजिए माँ आ गई, नानी आ गई, नौसी आ गई, तो इनका जैसे एरिया है इनका देख कैसे क्या निशान निशान गिरा था ना, नहीं जैसे किसी टाइगर का एरिया है तो निशान गिराते होंगे ना, गंध अंध कुछ, इसीलिए तो मैं आपको बताया कि अभी मैं 100 में केवल 10% बताया है। हाँ सही, 90% बताना बाकी है, जो के लिए मैं आपको बताता जाऊंगा तब वो आपके दिमाग में बैठे।
सही है। गंद छोड़ेंगे हाँ, यूरिन करते हैं या पोटी करते हैं, पोटी को छुपा देते हैं, ढक देते हैं, डाल देते हैं, और कहीं अगर जाएंगे तो ऐसे ऐसे दीवार पे खरोचना, खरोच देते हैं। बिल्ली करती है, और बिल्ली है छोटी बिल्ली है या बड़ी? बड़ी बिल्ली है, बिल्ली का ही रूप है। सांभर है ना, ब्लैक हेडेड ओरियल येलो कलर का पूरा इसका बॉडी होता है, केवल हेड इतना से इसका ब्लैक कलर है। घूमने के लिए मैंने तीन टाइगर देखे हैं, बहुत मजे किए।